बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आज मैं ग्रिल फिश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने 3.5 किलो का ये दाना मछली का लिया था और किस तरह से मैंने इसको बनवाया। इसके ऊपर हमने नमक, अजवाइन, लेमन और उसका इमली का पानी लगा के इसको कम अज़ कम 4 से 5 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था। और अब इसको हम 5 घंटे के बाद अभी इसको वॉश करेंगे और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आ जाए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी मैं किस तरह से बनाऊँगी। या मछली चेक कर सकते हैं कि 5 घंटे के बाद इसकी कंडीशन क्या है। अब हम इसको वॉश करते हैं। तो मछली जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मछली मैंने वॉश करके रख ली है। अब बनाते हैं कि मछली को मसाला कौन कौन सा लगाना है। आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मसाला में हमने क्या क्या चीज़ें मसाले में मिक्स करनी है। हाँ जी, सबसे पहले जो हमें चाहिए, ये मैंने अजवाइन ली है और इसको मोटा मोटा पीसना है। आपने पूरी अजवाइन नहीं है डालनी, यानी कि इसको मोटा मोटा पीस के डालना है। 1 टेबल स्पून ये अजवाइन का है, 1.5 टेबल स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है, धरा मिर्च जिसको बोलते हैं, इसको भी मैंने ला के दोबारा से इसको कूटा है। इसको आपने भी दोबारा इसको कूट लेना है, कूट के आपने डालना है। ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून ये पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के ये ज़ीरा, ये भी ना पाउडर है और ना कुटा हुआ है, यानी कि दरमियाना है, आपने इसी तरह से डालना है। 1 टीस्पून ये हल्दी है, ये हम कलर के लिए यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है, वो शामिल करेंगे और इसको हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोगों को मिर्चों का बता दिया है। अब आपने अपने टेस्ट के हिसाब से जो मिर्चें ना वो शामिल करनी है, कि आपने 2 टेबल स्पून करनी है या 3 टेबल स्पून, या जैसे आप तीखा खाते हो उतनी आपने इसमें मिर्च डाल लेनी है। मैं जितना खाती हूँ मैंने अपने हिसाब से इसमें मिर्च डाली है। नमक मैं इसमें नहीं शामिल कर रही क्योंकि मैंने मछली को 5 घंटे नमक लगा के रखा है, तो उसमें नमक लगाने की, फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ले जी, मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए जी, मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब हमने मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है जी चाट मसाला। चाट मसाले का आपने 1 चम्मच भर के इसमें डाल देना है और इसको दोबारा से मिक्स कर लेना। हाँ जी, चाट मसाले का जो रेसिपी है मेरे उसमें वीडियो चैनल में मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। और ये चाट मसाला ऐसा कमाल का मछली का मसाला बना ना, कि आप अगर वैसे खाएंगे ना, चटपटा चटपटा जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ ये बन गई है। चलें जी, आप इसको करते हैं मछली पे अप्लाई। हाँ जी, जैसे कि मछली को हमने वॉश कर लिया था,
अब मैंने लहसुन को बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाला था इसमें और लहसुन को फाइन ग्राइंड कर दिया। सबसे पहले हम इस पे लहसुन लगा देंगे। लहसुन लगाने के बाद अब जो मसाला हमने पीसा है वो मैं इसमें लगा दूंगी, क्योंकि ग्रिल फिश है इसमें थोड़ा मसाला तेज ही अच्छा लगता है। आपने इस तरीके से अच्छी तरह मसाला लगा देना है, ये देखें। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरफ भी हम जो है लहसुन अप्लाई करेंगे। ये ब्रश से ज़रा अच्छी तरह लग जाता है लहसुन, मैं इसलिए इसे ब्रश से लगा रही हूँ। लहसुन लगाने के बाद फिर से मसाला लगाएंगे। ग्रिल फिश बहुत मज़े की बनती है, आप इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये जी मसाला हमने एक पीस को लगा दिया है, अब इसी तरह से दूसरे पीस को हम मसाला लगाएंगे। ये देखें जहाँ पे है वहीं पे जम गया। अगर आप इसको यूं करके मलेंगे ना तो वो इकट्ठा हो जाएगा मसाला, इसलिए आपने इसी तरह मसाला लगाना है। मसाला फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको, बाकी मसाले तो ठीक है लेकिन मिर्च आप इसमें तेज़ कर सकते हो। ये देखें जी दोनों साइडों पे अब मसाला मैंने लगा दिया है और अब हमने इस मछली को कम अज़ कम तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने मसाला लगा के रख देना, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें जज्ब हो जाए। तो फिर आप इसको हम ग्रिल करके आपको बताते हैं 2 घंटे के बाद। कहीं मत जाइएगा अगर आपने मज़ेदार ग्रिल फिश खानी है तो। लो जी अज मछियां बन रही ने, ते मजे बड़े आने ने। मुश्किल काम लगा के ना तो खुद निकल गई है मैडम, चेक कर लो अब आप। फिर सारे टमाटर खुद ही ले जाएगी, देख लो जरा मसाला लगाया बस भगवान ने, बस मैंने फसा गई। हाँ जी, मछली को मैंने 4 घंटे के लिए मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में आपने फॉइल पेपर के बगैर नहीं रखना, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ों में स्मेल पड़ जाएगी। इसलिए मसाला जब भी कोई भी फिश हो आप उसको रैप करें इसके फॉइल पेपर के साथ। फॉइल पेपर नहीं, ये क्या इसको बोलते हैं, ये फॉइल नहीं है, जो भी है मैं इस वक्त ना नाम भूल गई हूँ। आपने ये रैप करके इसको फिर इसको फ्रिज में रखना है, ये तो आपकी फ्रिज की सारी चीज़ों में स्मेल चली जाएगी। चले जी अब इसको लगाते हैं ग्रिल में और इसको कोलों के ऊपर रख के ग्रिल करते हैं। हाँ जी, ये एक ग्रिल मैंने ले ली है जिसमें हमने फिश लगानी है। इसको यूं करके खोलेंगे और एक पीस, ये देखें जी एक पीस, क्योंकि 2 लगाएंगे तो वो सही नहीं बनेगा, तो एक पीस एक एक करके पीस को ना मैं ग्रिल करूँगी। अब इसको बंद कर देंगे। हाँ जी, कोयले जो है सारे रेड हो गया। अब हम मैं इसको पूरी उसके अंदर भट्टी के अंदर फैला दूंगी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि फिश जल्दी हो जाती है, इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपने इसको कम यानी कि कोलों पे, ज़्यादा कोले नहीं आपने जलाने, आपने दरमियाने कोलों पे इसको बनाना है। ये ले जी हम मैं फैला देती हूँ इसको। चले जी अब इसके ऊपर फिश रखते हैं। फिश जो है स्किन वाली साइड नहीं आपने रखनी, गोश वाली साइड जो है वो पहले आपने इधर रखनी है। ये देखें जी, ये आप चेक कर लें कि स्किन वाली साइड जो है वो मैंने ऊपर रखी है। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए तो मैंने दूसरी ग्रिल भी पकड़ ली है, क्योंकि जब खाने सारे बैठते हैं ना तो वो वेट नहीं करते। ये ले जी इसको भी हम लगा देते हैं इस तरह से। ये ले जी अब इसकी साइड चेंज करते हैं। हाँ जी, ये जो साइड हमने चेंज की है गोश वाली साइड, अब इस पे हम साथ साथ में घी लगाते जाएंगे। मैं देसी घी लगा रही हूँ, आपने ऑयल लगाना है, घी लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। लो
लाले यार क्यों जरा खुल के ला यार नाल ले नाल कहनी है मैं ये वो फलाना ठीक है ना मैं चटनी बना लगे हूं नथी की कहेगी फजूल है भी गल्ला ना करया कर यार क्यों नहीं ना आंखों पे धुआं जा रहा है ना तो मैं नजर कुछ आ रहा है ते ना मैं तेरी बक बक सुन ओ तू मेरी बक बक ना सुन तू बस क्यों जरा खुल के ला जरा मजे आन ते मैं उनी दे चटनी तैयार करना जरा ये चीज ले जी मछली की चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा ये पुदीना ले लेंगे थोड़ा सा धनिया लेंगे कुछ चार पांच हरी मिर्चें लेंगे ये लाले चटनी बननी है तेन मजा आ जाना लाले मजे ही कोई हरी मिर्चें और पा दिया है हुक्म कर मैं मिर्च लगी हुई है मैं ना बुलाऊंगी ले जी ये देखे कैसी जबरदस्त मिंट की चटनी तैयार हुई है लो जी ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये मिक्स कर लेंगे इसको हाय 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 क्या कलर आएगा आप चेक करना जरा ये देखे कलर कैसा आया ओए जबरदस्त आला आला कलर लाले भूख लगी फटाफट दे दे यार कच्ची ला के दे दे यार कच्ची दे दे ऐसे अंतरिया उत्ते थले हो गई ना यार ये थोड़ी स्लो फ्लेम पे बनती है थोड़ा टाइम लेती है बारबेक्यू से डबल टाइम लेती है ये आपने सोच के इसको बनाना है कि इसकी बारबेक्यू की जो फ्लेम होती है उससे हाफ आपने उसको हीट इसकी रखनी है नहीं तो आपकी मछली जल हाँ आप हीट इस तरह रखनी है कि नीचे जो जले हुए कोयले हैं ना उसकी मिकदार थोड़ी कम रखनी है आपने अगर मिकदार ज़्यादा होगी तो जो आपकी प्रोडक्ट है मछली है वो जल जाएगी लिहाजा आपने मिकदार कोयलों की कम रखनी है जले हुए कोयलों की बात कर रहा हूँ उसे ये होगा कि स्लो स्लो हीट जाएगी और इस जिस तरह इसका दिमाग पकता है स्लो हीट पर इसी तरह ही आपकी मछली भी पकेगी ये आपके बाद आँखों में जा रहा सिर्फ बोलना आता है आंखों में जरा धुआं जाए मेहनत लगे ना तो फिर मैं देखूं कैसे बोल थोड़ा इधर हो कि भाई है वो सारा धुआं होते उठता भी आप अपना मुंह होते धुएं होते दिता है धुआं ही है जरा इधर हो के बह साइड दे पता नहीं की जा रही है लाले लाले यार ऐसा जी कम ना कर सारा उन बोल बोल ना अभी आपसे 5 मिनट में मिलते हैं देखो यार बोल ओके टाटा सॉरी टाटा बाबा कह रहा हूं 5 मिनट में मिलते हैं 5 मिनट में और ना मारे उन पता चले ना ले ना मारी तू फोन बोल ए मेरे वाले आ ना ले मेरा सा उतर थल्ले हो गया लाले लाले इंज ना करिया कर लाले किसी डोंगे दे मुंह वाले इंज ना करिया कर ये लाले दे दे वो देख की लाले छे पकड़ कर डालू उसमें किसमें वो कोई नींबू दे पा यार पहले नींबू भूल गई नींबू पा यार उते एक साइड हमारी तैयार हो गई है तो ये लेमन जो है ये मैं यहीं पे इसके ऊपर निचोड़ दूंगी यार थोड़ा सबर कर ले ओए 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 लाले सबर जी इस तरह से नींबू निचोड़ देंगे मछली के ऊपर जो साइड हमारी तैयार हो गई है तो ये देखें इधर निचोड़ने के बाद फिर इसकी साइड चेंज करेंगे ऐसे और दूसरी साइड पे भी नींबू निचोड़ देंगे ये देखें हाय 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 आप शक्ल इसकी मछली के चेक करें कमाल की मछली चल लाले दे दे यार हो गई बस ठीक है कच्ची पकी दे दे यार पक गई और कितनी पकानी आप चेक करें इसकी शक्ल ये मैनू फड़ा दे ये वो छोड़ दे उन ओ मैनू दे ओ ऐसे ही उठी दे नहीं कटनी ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾ ਐਸੇ ਹੀ ਮੁਝੇ ਓ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਗ੍ਰਿਲ ਲੈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लेडी चेक करें रोगनी नान चेक करें तो मैं कहता हूँ अब जो मजे आने हैं ना ओए होए होए गर्मा गर्म मछली यार किस तरह तोड़ू मैं तोड़ू किस तरह ओए ये देखी जाएगी ओए 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 क्या डकरी आई है ये आप चेक करें जरा ओए मैं कहता हूँ ये आला आला ओए 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 लो जी चली जे ये
मछली का ना मैं रिस्क नहीं लेती होती, मैं स्कूल से आराम से बना के एक दफा तो फिर खाऊंगी। अपना ही मजा है, अपना ही टेस्ट है, कसम से मजा आ गया। लेमन जो मजा करा रहा है ना कि आप सोच नहीं सकते हो इस वक्त। लाले और पा, लाले नींबू और पा यार, ये लाले खत्म, एंड है, एंड है। ओए होए होए होए, मैं आपको बता नहीं सकती इसका टेस्ट क्या। आप खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, और आपकी आप मेरी शर्त है कि आप बाजार की ग्रिल फिश भी उड़ जाएंगे। यार एंड एंड एंड, यार मैं आपके बात हूँ, सो बातों की एक बात, यार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। यार मैं कहता हूँ लव यू हो जाएगा यार, कसम से ये रेसिपी आपने ना ट्राई की तो कुछ भी नहीं किया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके आपने जरूर बताना कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इस रेसिपी को मिस नहीं करना। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मुझे वैसे ही इतना मजा आ रहा है ना कि मैं चटनी क्या मैं लगाऊं। ओ यार तेनू पता ही नहीं है पहलवान। एंड एंड वीडियो को शेयर करना मत भूला करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, और मेरे वीडियो के लिंक पे जाके इंस्टाग्राम को भी आपने फॉलो कर एमएल दे दे, एमएल दे दे, अद्धा घंटा लाते मुंह पाल लगे। मैं कह रहा अब मैं आपकी बाइट लेने लगा, स्पेशल वाली बाइट, मैं कहता हूं आपको मजा आ जाएगा। लो जी आपकी स्पेशल बाइट, पहले कंडे दे बाहर कटो ना यार, इधरों फाड़ने हैं। आए हाय हाय हाय, ऐ ओए होए होए, ऐ चीज ऐ ओए होए यार, आला ये चीज, ये ओए होए होए होए, मच्छी मैं कहना लाले लाले क्या डकड़ी पीस यार, लाले एंड हो गई। लाले थोड़ी यार उतने चटनी पा यार, लाले अपने हाथ ना पा चटनी जरा जै ए लाले हाय हाय हाय। लो जी यार मिंट वाली हूँ चटनी चली जी अंदर, तो मज़ा ही अपने जी आय हाय हाय, ये आपकी स्पेशल बाइट है ये। अभी तैयार हो गई, तेरे मुंह ते ला दे ओके बाय। बस हो गया, मच्छी ठंडी हो जाएगी, खान दे। लाले एंड, सच्ची मैं आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ कि अब मेरा दिल कर रहा बस मैं वीडियो को बंद करूं और बस बस आहो टूट पड़े। मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपकी बाइट ली है ना, ओए ओए बस समझ जाओ एंड। ऐसी ग्रिल फिश आपने आज तक नहीं खाई होनी, मेरी गारंटी है। मेरी ऐसी चटनी आप भी डालनी, ऐसे ही खानी है। और मैं आपको बात बताऊं, जो लोग दही की चटनी नहीं खाते कुछ नहीं होता यार, मैं बचपन से खा रहा हूँ कोई मसला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसी तरह मिंट की चटनी बनाए और खाए और फुल इंजॉय करें, मैं कहता हूँ एंड। गले में लग गया, एंड हो गया, एंड। मैं कह रहा हूँ यार ओके तरीफे नहीं हो रही, दिल कह रहा है बस खाई जाऊँ खाई जाऊँ, वरना बस बहुत कमाल बहुत कमाल, ये मैं आपको कह सकती हूँ वाकई कमाल की है। लाले ने जोर था मारी ओके यार, यार इसका पता नहीं कितने बिल्डर वाले हाथ नहीं यार, बिल्डर है पूरा ही। ओके टाटा बाय बाय। It's been a long time I've been waiting for you, I got my feelings up and it's just for you, I just need a little bit of time to breathe in and out, I just need a little bit of time to ease up my mind, all for you.